आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड का यूनिट नंबर थर्ड, यानी इसे लास्ट लेक्चर तक अपने दो यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें अपने पहला जो यूनिट पढ़ा था जनरल पढ़ा था और सेकंड जो यूनिट पढ़ा था वो अपन ने पढ़ा था लेजर। तो गाइस यानी कि अपना एक जनरल कंप्लीट हो गया है, अब लेजर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो प्रोसेस होती है अकाउंटिंग प्रोसेस वो होती है ट्रायल बैलेंस की, ठीक है। अपन बोल सकते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस का थर्ड फेज है, तो यानी थर्ड यूनिट है ये ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी। अब ट्रायल बैलेंस क्या है, सबसे पहले अपन जनरल प्रिपेयर करते हैं, जनरल प्रिपेयर करने के बाद अपन लेजर बनाते हैं, और लेजर बनाने के बाद गाइस हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं, जो लेजर अकाउंट के जो भी बैलेंस होते हैं DRCR, वो हम ट्रायल बैलेंस में लेके आते हैं। ट्रायल बैलेंस में भी DR साइड होती है और एक CR साइड होती है, जो कि मैं भी आपको बाद में समझाऊंगा। तो गाइस ये है ट्रायल बैलेंस, यानी कि लेजर, यानी अपने जनरल बना लिया है, फिर लेजर बना लिया है, और हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। तो गाइस ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जा रहा है, उसका एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन है, और वो ये है कि हमें प्रिपेयर करने होते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ट्रायल बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, ठीक है जी। तो ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये कुछ तीन ऑब्जेक्टिव्स के दिए हुए हैं, टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट, यानी कि मतलब क्या, ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को कम करता है, यानी कि जो भी हमारे मैथ से रिलेटेड जो भी अपने एडलेस होते हैं उनको क्या करता है, कम करता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी में कोई भी गड़बड़ होती है तो उनको क्या करता है, कम करता है। तो लिखा हुआ है टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट, यानी लेजर अकाउंट की अर्थमेटिक एक्यूरेसी को क्या करता है, कम करता है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है समरी ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट ये क्या बताएगा, समरी बताएगा, जैसे कि अपन कोई भी जितने भी अपन लेजर प्रिपेयर करेंगे, सेल्स परचेज जितने भी लेजर हम परचेस करेंगे उस सबकी समरी बताता है, कौन ट्रायल बैलेंस, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। और थर्ड बात करें बेसिक ऑफ द प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, मैंने बता दिया है कि ट्रायल बैलेंस किसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो ये इसके तीन ऑब्जेक्ट है, अपन को हमेशा याद रखने, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कम करता है, समरी है लेजर अकाउंट की देता है, या मैं समरी देता है लेजर अकाउंट की, और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमें ये बनाना पड़ता है, इसके तीन ऑब्जेक्टिव है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस की बात करते हैं, जैसे कि आपने पहले ट्रायल बैलेंस पढ़ रखा है कि ट्रायल बैलेंस का अगर टोटल, यानी डीआर साइड का टोटल और सीआर साइड का टोटल अगर आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रायल बैलेंस अपना सही है, ये बात समझ में, क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस में कुछ गड़बड़ होती है, यानी कि टोटल आ भी जाता है तब भी उसमें कुछ मिस्टेक्स रह जाती है, जिसको अपन अभी पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में, जिसका नाम रहेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो गाइस इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, पहला लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन एंटर्ड एट ऑल इन द जनरल, आपने कोई ट्रांजैक्शन जनरल में ही पोस्ट नहीं किया है, यानी जनरल में लिखा ही नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस का क्या फर्क पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, जब जनरल में नहीं लिखा तो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आएगा, तो ट्रायल बैलेंस इस बात को नहीं खोज सकता, नहीं फाउंड कर सकता, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है। दूसरा है A wrong amount has been written in the both column of the journal. मान के चलो दोनों साइड DR साइड CR साइड कोई अमाउंट है जो कि wrong क्या हुई है लिख दी गई है, तो ट्रायल बैलेंस इस चीज को फाउंड नहीं कर सकता। तो इसकी एक limitations है, ठीक है। A wrong amount has been mentioned in the journal. ये मान के चलो जनरल में कोई अमाउंट गलत है, तो वही अमाउंट किस में आ जाएगी, हमारी ट्रायल बैलेंस में आ जाएगी गलत, तो वो भी ये फाउंड नहीं कर सकता है। बात करें फोर्थ की, तो an entry has not at all been posted in the ledger. कोई एंट्री ऐसी थी जो लेजर में ही पोस्ट नहीं हुई, जब वो लेजर में ही पोस्ट नहीं है तो ट्रायल बैलेंस में कैसे आएगी, क्योंकि सबसे पहले जनरल होता है, जनरल के बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, जनरल में कोई तो मैं एंट्री नहीं करी वो लेजर में नहीं आएगी, तो वो ट्रायल बैलेंस तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर कोई एंट्री पोस्ट ही नहीं हुई है लेजर में तो ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगी, तो ये भी फाउंड नहीं कर सकता। एंट्रीज द पोस्टेड ट्वाइस इन द लेजर, कोई ऐसी अमाउंट थी जो ट्वाइस मतलब दो बार लिख दी गई, ठीक है जी, तो ट्रायल बैलेंस इसको भी फाउंड नहीं कर सकता। तो कुल मिला के अगर अपन बात करें तो पांच पॉइंट कुछ इस तरीके से हैं कि ये ट्रायल बैलेंस को क्या कर देते हैं, इफेक्ट कर देते हैं, लिमिटेशन है ट्रायल बैलेंस की, जो कि ट्रायल बैलेंस नहीं खोज पाता है, ठीक है जी, फाउंड नहीं कर पाता है। तो ये कुछ पांच पॉइंट, ट्रांजेक्शन अगर एंटर नहीं है जनरल में तो ट्रायल बैलेंस नहीं फाउंड कर पाएगा, ठीक है। बोथ कॉलम में कोई अमाउंट गलत लिख दी है, या कोई एक अमाउंट गलत लिख दी है आपने, ठीक है, या पोस्ट ही नहीं हुआ है लेजर के अंदर, या फिर दो बार अमाउंट पोस्ट हो गई है, ठीक है ना, लेजर के अंदर। तो गाइस ये है इसके लिमिटेशंस, ये इसके ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के तीन मेथड हैं, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं,
जो पहला है टोटल मेथड, दूसरा है अपना बैलेंस मेथड और तीसरा है अपना टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो गाइस ये तीन मेथड अपने हैं, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल एंड बैलेंस मेथड। जो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अपन लोग करते हैं या जो हमारे प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट बनाने में काम आता है, वो है बैलेंस मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ठीक है जी, तो ये मेथड है इसके तीन, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो गाइस अब इसके ना परफॉर्मा की बात करते हैं, ट्रायल बैलेंस के परफॉर्मा की। तो ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा कुछ इस तरीके से है जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो लिमिटेशंस हो गई अपनी, ऑब्जेक्ट्स हो गए और तीन मेथड अपन को ये पढ़ने और चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके परफॉर्मा की अगर अपन बात करें तो कुछ इस तरीके से ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा होता है जी। सबसे पहले अपन एक सीरियल नंबर का कॉलम बनाएंगे जी। किसका बनाएंगे जी? सीरियल नंबर का कॉलम। तो जी ये हो गया जी सीरियल नंबर। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ लेजर अकाउंट, नेम ऑफ लेजर अकाउंट। ठीक है, ये दूसरा कॉलम होता है नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स के लिए। उसके बाद अगर मैं परफॉर्मेंस नंबर यानी तीसरे कॉलम की बात करूं तो ये आपको बताया हुआ है मैंने LF यानी कि लेजर फोलियो। और उसके बाद जी अमाउंट के कॉलम होते हैं, तो दो कॉलम होते हैं अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, यानी एक तो होता है डेबिट साइड यानी DR और एक अपना होता है क्रेडिट साइड यानी कि CR। तो ये इस तरीके से ट्रायल बैलेंस का ही परफॉर्मा है। सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर अकाउंट मतलब जो भी लेजर का नाम होगा, सेल्स, परचेज, असेट्स वगैरह जो भी कुछ आएगा सब इसमें आएगा। लेजर फोलियो नंबर है कि किस पेज से वो लिया गया, लेजर फोलियो और DR और CR। तो गाइस ये है ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा। तो ट्रायल बैलेंस के परफॉर्मा को अपन को पता है कि अपन को ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है वो तीन मेथड से प्रिपेयर करना है, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल एंड बैलेंस मेथड। अब इस बात करते हैं पहले टोटल मेथड की और बैलेंस मेथड की। तो टोटल मेथड और बैलेंस मेथड में यही पूरा परफॉर्मा रहता है फाइव कॉलम्स का, यानी एक दो तीन चार पांच, यानी सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर फोलियो, DR और CR दोनों में, यानी टोटल मेथड के अंदर और बैलेंस मेथड के अंदर। अब बात करें टोटल एंड बैलेंस मेथड, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि टोटल एक ही वाला और एक बैलेंस मेथड, इन दोनों को मिला के एक मेथड और बन गया टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो इसमें DR CR के दो कॉलम और बनते हैं, यानी कि DR CR एक ही हो गया, इसके अलावा दो कॉलम और बनेंगे इसमें DR CR के, क्योंकि इसमें दो मेथड्स को मिक्स किया गया, टोटल एंड बैलेंस मेथड। ठीक है जी, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें कुछ आपको समझाता हूं पहले, उसके बारे में पहले बात करते हैं। पहले टोटल मेथड की बात करेंगे और फिर बैलेंस मेथड की बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे टोटल एंड बैलेंस मेथड। ठीक है जी, तो मैं कुछ इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से अपन समझेंगे। तो गाइस अपन इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो यानी कि सबसे पहले मैं मान के चलता हूं आपका इलेक्ट्रिशियन नंबर जो फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर जो दिया हुआ है अपन उसको करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन नंबर फर्स्ट है जो कि आपके सामने पेज नंबर 2.43 पे दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है गिवन ब्लो इज अ लेजर एक्सट्रैक्ट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ एक्स एंड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2016, यानी कि 31 मार्च 2016 को दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस बाय द टोटल अमाउंट मेथड, यानी हमें टोटल मेथड से इसको प्रिपेयर करना है। तो मैं इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूं, यानी कि मैं इसका एक कैश अकाउंट बता रहा हूं और उसको मैं इसी के थ्रू मैं आपको सारा समझा दूंगा कैश अकाउंट को। ठीक है जी, तो ध्यान से समझेंगे इसको कैश अकाउंट। ठीक है, तो मैं एक लेजर बना रहा हूं सिर्फ एक कैश अकाउंट का, उसको थोड़ा सा ढंग से अपन समझेंगे। यानी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर मैं लिख नहीं रहा हूं उसमें, मैं सिर्फ डायरेक्ट इसमें जो दिया हुआ है वो अपन लिख रहे हैं। यहां पर सबसे पहले दिया हुआ है इधर टू कैपिटल, तो डेट दी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, टू कैपिटल इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे 10,000। तो एंट्री आपको पोस्ट करनी आती है, इसका मतलब ही कैपिटल है, कैश की तरह कैपिटल लगाई है, तो कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। उसके बाद लिखा हुआ है टू राम्स अकाउंट, तो राम्स अकाउंट के लिए कितना दे रखा है इन्होंने 25,000। ठीक है, 25,000। उसके बाद बात करते हैं आगे, तो दिखा हुआ है यहाँ पे टू कैश सेल, तो टू कैश सेल। ठीक है, टू कैश सेल कितनी दे रखी है जी, 500 की आपको कैश सेल दे रखी है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इधर, तो इधर लिखा हुआ बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर यानी कि आपने फर्नीचर परचेज किया है, कितने का जी 3,000। उसके बाद बात करते हैं बाय सैलरीज अकाउंट, तो कितने का है जी ये 2500 का, तो ये 2500 का है। उसके बाद इसमें दे रखा है बाय श्याम्स अकाउंट, बाय श्याम्स
अकाउंट, ठीक है, 22 चांस अकाउंट का कितने रुपए दे रखा है, 21,000 अपन को दे रखा है। उसके बाद बात करते हैं आगे, बाय कैश परचेज, बाय कैश परचेज, तो बाय कैश परचेज कितनी दे रखी है आपको, 1,000 रुपीज की, बाय कैश परचेज 1,000। उसके बाद अगर बात करते हैं बाय कैपिटल, बाय कैपिटल वो कितना दे रखा है जी आपको, 500। उसके बाद दे रखा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि हमारे यहां पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन निकल के आएगा, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन जो दे रखा है जी वो दे रखा है 7500। और अगर यहां पे टोटल की बात करूं दोनों साइड की, तो दोनों साइड का टोटल कुछ इस तरीके से 35,500 और 35,500, तो ये जी टोटल है, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा 35,500 टोटल है दोनों साइड का। ये कैश अकाउंट है, इलेक्ट्रिशियन नंबर फर्स्ट है आपके मॉड्यूल का, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं टोटल मेथड की, किसकी बात कर रहे हैं अपन, टोटल मेथड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, टोटल मेथड। तो टोटल मेथड से जो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर अकाउंट LF DR एंड CR, तो यानी कि नेम ऑफ लेजर अकाउंट अपन किसका बना रहे हैं, कैश का। तो अपन ने सीरियल नंबर एक दे दिया है और यहाँ पे लिख दिया है कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट अपन ने ले लिया है। लेजर फोलियो नंबर कुछ है नहीं है तो अपन नहीं लिख रहे, डीआर और सीआर की बात करते हैं। तो पहले हमने बताया टोटल मेथड की बात करी, टोटल मेथड क्या कहता है जी, डीआर साइड का जितना टोटल है वो डीआर साइड में लिख दीजिए और जो सीआर साइड का जो टोटल है वो सीआर साइड में लिख दीजिए। तो डीआर साइड का जो टोटल है वो तो आ रहा है 35,500, बात समझ में आ रही है, 35,500। लेकिन अगर मैं ये सीआर साइड की बात करूं, ये डीआर हो गया अपना और ये अपना सीआर साइड, और अगर सीआर साइड की बात करूं तो इस बैलेंस की बात नहीं करेंगे, केवल सीआर साइड का जो टोटल है यानी यहां से लेके और 500 तक, ये हमको लिखना है सीआर साइड में, बैलेंस नहीं होता। उन्होंने बोला डीआर साइड का टोटल डीआर साइड में लिख दीजिए और सीआर साइड का टोटल सीआर साइड में लिख दीजिए। ये तो बैलेंस अपन ने निकाला है, इधर से ऐड करके ये सारे आइटम्स अपन ने लेस कराए तो 7500 इसका बैलेंस निकल के आया। तो अपन को ये नहीं लेना, केवल क्रेडिट साइड का टोटल की अगर अपन बात करें तो सिर्फ हमें वही लेना है। तो अपन 35,500 में से अगर 7500 लेस करा दें तो कितना आएगा, 35,000 में से 500 लेस करेंगे तो 35 और 7 लेस करेंगे तो 28,000 अपना क्रेडिट का टोटल आएगा। यानी कि टोटल मेथड की बात करें, डीआर साइड का टोटल डीआर साइड में लिख दिया और सीआर साइड का टोटल सीआर साइड में लिख दिया, यानी यहां से लेके यहां तक ये बैलेंस नहीं आया, क्योंकि ये तो हमने यहां से ऐड करके लेस कराया तब ये बैलेंस आया है, क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, ठीक है। तो ये अपना कौन सा मेथड, जो टोटल मेथड है। अब बात करते हैं इसी के टोटल मेथड के अलावा मैं बात करूं बैलेंस मेथड के बारे में, किसके बारे में जी, बैलेंस मेथड के बारे में, तो उसको भी थोड़ा सा अपन ध्यान से समझते हैं। यानी बैलेंस मेथड क्या कह रहा है, बैलेंस मेथड कह रहा है कि जो बैलेंस आपका अकाउंट का है और वो जिस साइड का बैलेंस है आप वो उसी साइड में लिख दीजिए, ठीक है। तो अपना का डेबिट साइड का जो टोटल था वो 35,500 था और ये जो बैलेंस आया था यहाँ पे जो लेस करने का 7500 क्लोजिंग बैलेंस आया। अगर अब मैं इसकी बात करूं ये जो 7500 ये जो क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि जो 7500 आया है कौन सा बैलेंस है, ये सीआर साइड का बैलेंस तो नहीं है, क्यों, ये तो डीआर साइड का बैलेंस है, डीआर साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो इसलिए जो क्लोजिंग बैलेंस आगे जा रहा है किसका जा रहा है, डीआर का जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बैलेंस यहां पे आ रहा है तो ये सीआर का बैलेंस होना चाहिए ना, ये डीआर का क्यों है, तो ये डीआर का इसलिए क्योंकि डीआर साइड का टोटल अपना ज्यादा है, जब अपन इसको लेस कराते हैं तो जो बैलेंस हम यहां पे लेते हैं इसको बराबर करने के लिए इसको बैलेंस यहां लिखा जाता है, तो ये बैलेंस एक्चुअलिटी में है किसका, डीआर का। तो 7500 हम लोग कहां पे लिख देंगे जी, डीआर साइड लिख देंगे, ये है अपना बैलेंस मेथड, ठीक है। केवल इसे बैलेंस लिखना है, बैलेंस अपन को पता होना चाहिए कि बैलेंस कौन का है, यानी डीआर साइड है सीआर साइड, तो यहां पे बैलेंस आ रहा है इसका मतलब कौन सी साइड का बैलेंस है, डीआर साइड, क्योंकि डीआर साइड जो है एक्सिस है किससे, सीआर साइड से, ठीक है। अगर ये बैलेंस इधर होता टू बैलेंस के नाम से तो इसका मतलब ये बैलेंस किसका है, सीआर साइड का, क्योंकि सीआर साइड ज्यादा है इसीलिए बैलेंस इधर आ रहा है, तो अपन सीआर साइड में उसको बैलेंस को लिख देते। ऐसे सारे अकाउंट के केवल बैलेंसेस अपन को लिखने, तो ये है जी बैलेंस मेथड। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है, इतनी कोई कठिन नहीं है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना। तो ये अपन ने कैश अकाउंट में बैलेंस मेथड भी समझ लिया। अब बात कर लेते हैं टोटल बैलेंस एंड टोटल मेथड के बारे में, ठीक है जी। तो टोटल एंड बैलेंस मेथड के बारे में जो मिक्स वाला मेथड था वो अपन पढ़ेंगे, यानी टोटल एंड बैलेंस मेथड।
तो टोटल एंड बैलेंस मेथड है जो अपन ने दोनों भी मेथड पढ़े थे उसका बस एक मिक्सअप है, मिक्सचर है जो कि अपन को भी करना है। तो मैंने बताया था ना कि आपको ये पांच जो कॉलम है ये यानी कि आपको टोटल मेथड में और बैलेंस मेथड में तो इतने ही बनाने हैं, लेकिन अगर दोनों का मिक्सचर यानी थर्ड की बात करेंगे तो DRCR के दो कॉलम और प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अपन इसको भी प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसमें कॉलम बनने वाले हैं। तो इसमें जो कॉलम बनेंगे वो अपने बनेंगे 7 कॉलम। ठीक है जी, 7 कॉलम बनेंगे। यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देता हूं, यहाँ पे भी मैं अमाउंट लिख देता हूं, और यहाँ पे DR और CR के दो कॉलम, और यहाँ पे भी DR और CR के दो कॉलम, यानी DR, CR, DR और CR, यानी कि अपन टोटल एंड बैलेंस मेथड की बात करनी है। तो पहले अपन कैश अकाउंट की बात कर रहे थे, ये अपन ने लेजर बनाया था। तो कैश अकाउंट में जो अपने DR साइड में टोटल था वो था 35,500 और CR साइड का जो टोटल था वो था 28,000, यानी यहां से लेके यहां तक। उसके बाद अपन ने बैलेंस मेथड बनाया, तो बैलेंस मेथड में हमारा जो बैलेंस है 7,500 किसका था, ये DR का था, तो 7,500 अपन ने यहां लिख दिया, क्रेडिट साइड खाली रहेगी। तो ये है कैश अकाउंट वो टोटल एंड बैलेंस मेथड से। टोटल बैलेंस मेथड यानी कि जो टोटल वाला पड़ा था वो टोटल के अकॉर्डिंग कर दिया, और जो बैलेंस मेथड पड़ा था यहां पे DR साइड का 7,500 है तो अपन ने DR साइड 7,500 लिख दिए। तो ठीक है गाइस, ये था टोटल एंड बैलेंस मेथड। तो जैसे कि आपके इसमें क्वेश्चन यानी कि दिया हुआ है जो लेक्चर नंबर फर्स्ट, उसमें एक आपको कैश अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, शाम अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, परचेज रिटर्न अकाउंट है, रांस अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, सेल्स रिटर्न अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है, लेकिन हमको इन सब के बैलेंसेस पता होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं फर्नीचर के बारे में, तो फर्नीचर का यानी कि 3000 का DR साइड का है, ठीक है, तो DR साइड का ही लिखेंगे। कौन से मेथड में, केवल बैलेंस मेथड की बात करें तो, किसमें बैलेंस मेथड की बात करें तो, और अगर टोटल मेथड की भी अगर अपन बात कर लेते हैं तो केवल 3000 केवल कौन सी साइड जाएगा, केवल DR साइड जाएगा, यानी कि आपको कहां पे जाएगा, केवल DR साइड। भाई जो आपका फर्नीचर का है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कैश, मैं बता नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूँ 3000, और यहाँ पे लिख दिया है बाई बैलेंस करंटम, ठीक है, वो भी 3000 लिखा हुआ है। अब अगर मैं बात करूं तो टोटल मेथड से, तो DR साइड पर टोटल तो 3000 है और CR साइड में तो कुछ है ही नहीं था, यही बैलेंस तो आगे गया था, इसका मतलब अगर मैं टोटल मेथड में बात करूंगा तो केवल DR साइड केवल कितना जाएगा, 3000 जाएगा। बात समझ में आ रही है, CR साइड कोई टोटल नहीं है, नहीं जाएगा, तो ये बैलेंस ही यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है। और अगर अपन बात कर लेते हैं इसकी बैलेंस मेथड के अंदर, तो बैलेंस मेथड यानी कि जो बैलेंस है 3000 दिखाता है DR साइड का, तो DR साइड अमाउंट जाएगा, यानी टोटल की बात करूंगा तो 3000 DR साइड जाएगा, ठीक है, CR साइड का कोई टोटल है नहीं है। और अगर बैलेंस मेथड की बात करूंगा तो केवल DR साइड का ही बैलेंस, ये जो बैलेंस है वो कौन सी साइड का है, DR साइड का, तो DR साइड में 3000 हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। ऐसे आपको सैलरीज का देखना है, ऐसे आपको श्याम्स अकाउंट देखना है, ऐसे परचेस देखना है। तो गाइस ये तो है अपना टोटल मेथड समझा दिया, और इसी क्वेश्चन को अपन को बैलेंस मेथड से करना है तो वो बैलेंस मेथड से मैंने आपको समझा दिया है, और टोटल एंड बैलेंस मेथड की बात करें तो वो भी मैंने आपको समझा दिया है इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर, आप आओ इलस्ट्रेशन नंबर 3rd भी सिंपल है वो भी आप कर लेंगे, और अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि इसमें कुछ चीजों का बैलेंस जो है वो गलत दे रखा है, तो वो बैलेंस हमको क्या करना है, वो सही करना है। जैसे कि अगर आपके पास ये दे रखा है कि ऑन द one of your client Mr. Singhania has asked to your finalize his account for the year end date 31st March 2016 till date he himself has recorded the transaction books of account, मतलब उन्होंने record करे थे transaction books of accounts के अंदर, और year basis of audit Mr. Singhania furnished you with the following statement, ठीक है, तो ये अपन को DR और CR side दे रखा है, और नीचे लिखा हुआ है closing inventory 31st March 2016 was valued 574 और Mr. Singhania claimed that he has recorded every transaction correctly as a trial balance is 10, check the accuracy of the above trial balance, हमें accuracy check करनी है trial balance की, कि जो उन्होंने trial balance prepare कर रखे हैं क्या जी वो सही है या नहीं। तो पहले बात करते हैं Singhania's capital, हमें पता है capital का balance CR होता है, इन्होंने CR side डाल रखा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद करते हैं Singhania's drawing, Singhania's drawing करिए 564 की, हमें पता है कि drawing का balance अपना DR होता है, इन्होंने DR कर रखा है, बिल्कुल सही कर रखा है। उसके बाद अपन बात करते हैं leasehold premises की, हमें पता है assets है, assets का balance DR होता है, इन्होंने DR side डाल रखा है 750, बिल्कुल सही है। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है sales, sales का balance CR होता है, सबको पता है, तो 2750 इन्होंने ये भी सही लिख रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर पे ड्यू थे 530 और इन्होंने दिखा रखी है वो सीआर साइड, ये गलत है, ये 530 कहां पे आएंगे, डीआर साइड आएंगे, क्योंकि डेटर का बैलेंस क्या होता है, डीआर साइड होता है। तो आप जरा जाके चेक कर लेंगे अपने आंसर में, तो 530 डीआर साइड आपको मिल गया। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। तो ये एक एक्यूरेसी अपन ने पकड़ ली, गलती थी इनको हमने सही कर दिया। परचेस का बैलेंस अपन को पता है डीआर होता है, इन्होंने डीआर कर रखा है, सही कर रखा है। परचेस रिटर्न 264 जो इन्होंने लिख रखा है वो गलत, क्योंकि परचेस रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, परचेस का बैलेंस डीआर, तो परचेस रिटर्न का बैलेंस सीआर होगा, इन्होंने डीआर साइड ही दिखा रखा है, वो अपन को सीआर साइड पे लिखना है, तो ये भी अपन को सही करना है। लोन फ्रॉम बैंक लिया है इन्होंने 256 का, बिल्कुल सही है, क्योंकि लोन का जो जो बैलेंस होता है वो क्या होता है सीआर, क्योंकि हमारी लायबिलिटीज है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही करा हुआ है इन्होंने। उसके बाद आते हैं ट्रेड पेबल्स की बात करते हैं, तो ट्रेड पेबल इन्होंने 528 के हैं, ट्रेड पेबल का बैलेंस क्या होता है सीआर, यानी क्रेडिटर का बैलेंस सीआर होता है, इन्होंने डीआर साइड लिख रखा है, तो वो अपन कहां पे लिख देंगे उसको, सीआर साइड लिख देंगे, तो एक ये सही कर लेंगे अपन। ट्रेड एक्सपेंसेस है 700, बिल्कुल सही है जी, क्योंकि एक्सपेंसेस का बैलेंस डीआर होता है, इन्होंने डीआर साइड डाल रखा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अपन बात करते हैं कैश एट बैंक का बैलेंस, तो 226 है, वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कैश का बैलेंस डीआर होता है, तो डीआर साइड लिख रखा है। बीपी की बात अगर हम करते हैं तो बीपी का बैलेंस होता है सीआर, क्योंकि ये लायबिलिटीज है और इन्होंने डीआर साइड दिखा रखा है, वो हमें सही करना है, वो हमें लायबिलिटी साइड लेके जाना है। सैलरी एंड वेजेस है जी, एक्सपेंसेस है, डीआर बैलेंस है, बिल्कुल सही लग रखा है जी। इन्वेंट्री ओपनिंग है 264 की दिखा रखी है, यानी कि कहां पे क्रेडिट साइड, बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टॉक का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है डीआर, कहां पे दिखाएंगे डीआर साइड, तो ये गलत दिखा रखा है इन्होंने, सीआर साइड दिखा रखा है। रेंटेड रेट्स की बात करें तो सबको पता है जी, एक्सपेंसेस है, डीआर साइड बिल्कुल सही है। और सेल्स रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो 98 इन्होंने सीआर साइड लिख रखा है, ये बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि सेल्स का बैलेंस सीआर होता है, सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है डीआर, तो ये कहां पे जाएगा जी, डीआर साइड जाएगा। तो ये था आपका इलेक्शन नंबर 4, जो कि अपन ने जो जो मिस्टेक थी वो अपन ने सही कर ली है, इस तरीके से अपन का ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है जी, और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल है, ट्रायल बैलेंस को इतना डिफिकल्ट यूनिट नहीं है, ये सबसे इजी यूनिट है, तो अपन ने समझा दिया। इसके अंदर तीन मेथड मैंने आपको बताए हैं, एक तो अपना टोटल मेथड, एक बैलेंस मेथड, और एक कौन सा बताया जी, टोटल एंड बैलेंस मेथड, दोनों को समझा दिया। एक अकाउंट जरूर लिया था मैंने, और एक ही अकाउंट समझाया था कि जैसे कैश का ले रहे तो कैश का डीआर साइड का लिख दिया, सीआर साइड का लिख दिया। ठीक है, ये तो था अपना कौन सा मेथड, टोटल मेथड। बैलेंस मेथड की बात करी थी, तो बैलेंस मेथड में बताया जिस साइड का बैलेंस होता है, मैंने वो बैलेंस इधर लिख दिया, क्योंकि 7500 कौन सा साइड का बैलेंस है, डीआर साइड का बैलेंस है, तो डीआर। और फिर अपन ने जब टोटल बैलेंस दोनों को मिक्स करा तो चार कॉलम बना दिए, टोटल वाले को टोटल में लिख दिया, बैलेंस वाला बैलेंस में लिख दिया। ठीक है गाइस, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा ट्रायल बैलेंस, तो इसके क्वेश्चन आप जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है, आप इसको कर दें अच्छे से, तो मैं उसको भी बना दूंगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो अपन ले लेंगे, यानी उसके ऊपर भी एक लेक्चर अपन ले लेंगे। जैसे कि मैं अभी इस यूनिट को जब हम खत्म करेंगे, इस चैप्टर को सेकंड को जब खत्म करेंगे, तो एक हमारा लेक्चर रहेगा जो सारी की सारी यूनिट्स के क्वेश्चन का रहेगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, बस आप फोकस रखें स्टडी पर और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते चलें। ठीक है गाइस, तो ये अपना था ट्रायल बैलेंस, जो कि कंप्लीट हो गया, तो अपनी 3 यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।